right. Scenario number 4. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hug you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess, he will give you just once more caress. यानी कि अब जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसे एनिमल के बारे में बता रहे हैं जो कि क्या है, जंगल में रहता है और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, पूरा कवर अप होता है बालों से, ठीक है। लेकिन जो उसकी स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो ह्यूमन बींग को आराम से सुन के पता लगा लेता है कि क्या है, एक ह्यूमन बींग है। लेकिन उसकी एक खासियत ये होती है कि दैट क्रिएचर इज ऑल्सो वेरी लविंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा लविंग होता है और जैसे किसी ह्यूमन बींग को देखता है तो उससे बहुत ज्यादा एक टाइट हग करता है। तो अगर आप जंगल में जाते हो और आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई ऐसा जानवर आकर के आपको एक बहुत टाइट हग देता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दैट इज अ बियर, यानी कि वो एक भालू है। थ्रू टू डिस्गस्टिंग बीट्स ऑफ प्रे अनोटिस माइ नो प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेटल फ्रॉम द हाइनादर्स हाइनास कम विद मेरी स्माइल बट इफ दे वीप देयर इज क्रोकोडाइल। और इसी प्रकार से अगर आप जंगल के किसी किनारे जा रहे हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पानी का ज्यादा बड़ा पॉन्ड हो और वहां पर कोई क्रोकोडाइल अपने मुंह को खोल के खड़ा हो, अपने शिकार की तलाश कर रहा हो और आपको ऐसा लगे कि वो स्माइल कर रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, वो एक क्रोकोडाइल है। द ट्रू चैमेलियन इज स्मेल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही डजंट एनी ईयर्स टू ऑल and not a single wing if there is nothing on the tree, these two chameleon you see। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा tiny creature दिखे, यानी कि small, जो कि size में small हो, लेकिन उसकी smelling power बहुत ज्यादा होती है और that is without ear and wings, यानी कि उसके पंख भी नहीं होते और उसके कान भी नहीं होते हैं और वो जगह जगह इधर उधर घूमता रहता है और वो हमेशा क्या रहता है, mostly वो ट्रीज के ऊपर रहता है और घरों में कोने में ज्यादा छिपा होता है। तो अगर इस तरीके के क्रिएचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट इज अ लिजर्ड, यानी कि वो एक छिपकली है, ठीक है। तो दिस इज योर पोयम एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोयम एंड सम अदर पोयम, डू इट इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।